आप निश्चिंत होके वहां जाके रहिए, उन लोगों का मदद करना चाहिए, कोनो परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है, मेरे होते हुए मेरा पति किसी दूसरी औरत का पति बनकर उसके साथ रहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कनिका, इंसान को इतना मतलब ही नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अपना भला बुरा सोचे। राधिका और उसका परिवार इतना मुसीबत से गुजरे हैं, अगर दामाद बाबू कुछ दिन हुआ रहे के उका मदद कर सकते है तो इमा परेशानी का क्या बात है। धर्म का रक्षा करना बहुत महान काम होत है और ये काम सब लोग नहीं कर सकते। माता राम जी, आप जो कह रही हैं वो गलत नहीं है, लेकिन कनिका भी ठीक ही कह रही है। मेरी अपने परिवार की तरफ जो जिम्मेदारियां हैं, मैं उसे मुंह नहीं मोड़ सकता, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। माता राम जी, कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर ले हो, लेकिन माई ने कह दिया तो अब है बाबू दिल्ली जरूर जाएंगे। अब हम का उगा अपना रास्ता से हटाए का वास्ता कोनो कोशिश करने का जरूरत नहीं है। अब वो रहेंगे वहां के राज पुरोहित और हम रहेंगे यहाँ के राजा। माता राम जी, पहले आप अभय बाबू के दिल्ली जाए से बहुत परेशान रहे, लेकिन अब आप खुद ही अभय बाबू को दिल्ली भेजना चाहते हैं। हमका कुछ समझ नहीं आता माता राम जी। पहला हम थोड़ा बहुत व्यापार बढ़ाए का खातिर वो नए राज पुरोहित लोगन से संबंध बनाना चाहते थे, और अब जिससे हमरा खास संबंध है वही राज पुरोहित बन गया, समझे कि नहीं? जी माता राम जी। पहला तो हमको भी बहुत क्रोध आया रहा दामाद बाबू पे, और फिर जब हमारा क्रोध शांत हुआ और हम ठंडे दिमाग से ई बात पर विचार किए तो ई बात हमरा समझ में आई कि जो काम हम इतने सालन में नहीं कर सके उदामाद बाबू राज पुरोहित बन के एक ही झटके में कर दिए। पलक झपकते 600 करोड़ का संपत्ति का मालिक हुई गए। लेकिन माता राम जी, अभय बाबू तो कनिका का पक्ष में है, वो दिल्ली जाके राजपुरोहित संभालने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं है हनुमान प्रसाद, तो हमका उका तैयार करना पड़ेगा। कनिका, नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी, नहीं जीना मुझे। कनिका, नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी। ये तुम क्या कर रही हो कनिका? तो और मैं क्या करूं अभी? मेरा पति मेरे होते हुए किसी दूसरी औरत के पास जा रहा है, उससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। आप जहां भी हैं, मैं जानती हूं आप तक मेरी सदाएं जरूर पहुंच रही हैं। आपका दिल भी मेरे प्यार की कहानी कह रहा होगा, बस मेरी तरह आप भी अपने दिल की बात सुनिए। मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा, अपने दिल की भी नहीं। मेरा दिल अब मेरे काबू में है ही नहीं। पता नहीं राधिका को देखते ही मुझे क्या हो जाता है, उसका ख्याल आते ही मेरे फैसले खुद ब खुद ही बदल जाते हैं। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। लेकिन मैं जानती हूं मेरे भगवान मेरी सिंदूर की रक्षा करेंगे और मेरी मांग के सिंदूर को कभी बांटने नहीं देंगे, ना इस जन्म में और ना ही किसी और जन्म में। आज मैं अभय को अपना बनाकर ही रहूंगी।
अभी चोट लग जाएगी, पिछड़ जाओ। सोने चलोगे ना? हाँ बेटा चलो। देव के वापस आ जाने से मेरे वारिस की आस भी वापस आ गई है। अब तो मरने के पहले मैं अपने पर पोते का मुंह देख के ही मरूंगी। अरे देव कृष्णाय भोले।